नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं निधि। आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कोटा में जनसभा, कुन्हाड़ी के विजयवीर स्टेडियम में हुई जनसभा, कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। किसान क्रांति सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने युवाओं से किया संवाद, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। मकान में कार्य करते समय लगा करंट, एक की मौत, चार घायल, झालावाड़ जिले की है घटना। सगे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतारने के आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा, सवाई माधोपुर जिले का है मामला। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की कोटा में जनसभा आयोजित की। कोटा के कुन्हाड़े स्थित विजयवीर क्लब स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया। योगी आदित्यनाथ निर्धारित समय से 2.5 घंटा देरी से सभा स्थल पहुंचे। योगी ने सभा स्थल पहुंचकर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन किया। इस अवसर पर सांसद ओम बिरला, विधायक प्रहलाद गुंजल, संदीप शर्मा, बीजेपी की उम्मीदवार कल्पना देवी, पूर्व सांसद इजराज सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली के मामले पर बोलते हुए कहा कि बजरंगबली सभी के आराध्य हैं। वहीं कांग्रेस पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस साफ कहती है कि उसे सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। योगी ने कांग्रेस पर मंदिर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई 2019 के बाद की जाए। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील के साथ अपना संबोधन समाप्त कर बारा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अंता और अट्रू विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। सभा में लगभग 8,000 से 10,000 लोगों की भीड़ उमड़ी। आमजन को संबोधित करते हुए योगी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसकी नजर सबसे पहले कहीं पड़ती है तो आपके इस कोटा पर पड़ती है। तो सकारात्मक सोच का परिणाम है। लेकिन एक इंजीनियरिंग छात्र की बात कर रहा था, वो लगातार अपनी क्लास में फेल हो रहा था, 17 बार फेल हो गया। उसके कॉलेज ने मना कर दिया कि भाई अब तुम्हें परीक्षा देने के लिए हम लोग आगे अनुमति नहीं देंगे। वो कोर्ट में चला गया। 11 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो पांचों के पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आएगी। ये आंकड़ा 22 तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है तब कांग्रेस यूपीसी मान सपा ही उठ खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि जो कांग्रेस आपको बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकती, जो कांग्रेस आपके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं ला सकती, जो कांग्रेस इस देश के अंदर आतंकवाद की पोषक रही हो, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जिसने समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया ही हो, लेकिन जिस कांग्रेस ने राष्ट्र की कीमत पर राजनीति करते हुए आतंकवादियों को भी अपनी अराजक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मौन स्वीकृति दी हो, उस कांग्रेस को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया और सभा में सांसद ओम बिरला, प्रत्याशी मदन दिलावर और नगर चेयरमैन हेमलता शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाषण दिए। हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे।
किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल शनिवार को दौरे पर आए। शनिवार को कोटा के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने युवाओं से वार्ता की, उनका संवाद किया। इस दौरान हार्दिक पटेल ने युवाओं को अपनी शक्ति पहचानने की बात कही। इस मौके पर हार्दिक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हाड़ौती में अभी चुनावी माहौल है और ऐसे में मेरा आना, जिसे लोग कहीं चुनावी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन मेरे आने का उद्देश्य केवल हाड़ौती के युवाओं और उनके रोजगार शिक्षा संबंधी दिक्कतों घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाना है, तो इसी पर आज उनसे संवाद भी किया है। हार्दिक ने बताया कि उनके चुनावी आकलन को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत हासिल होगा और हाड़ौती में उन्होंने कहा कि अभी मैं यहां आया हूं, अभी स्थिति देखूंगा, उसके बाद ही कुछ कह सकूंगा। राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि जो लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं वह युवाओं के लिए काम करें तो अच्छा होगा। वहीं किसानों के लिए हार्दिक ने बोला कि पिछले 3 माह में किसानों ने कई आंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। देश में जिस तरह से हाल है, चाहे शिक्षा का हो चाहे बेरोजगारी का मामला, तो लोगों से मिलना, युवाओं से बातचीत करना, उनकी क्या परेशानी है उसको समझने का मैं प्रयास करता हूँ। राजस्थान में चुनाव है तो स्वाभाविक तौर पर लोग यही समझेंगे कि चुनावी मामला इसलिए आए, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। हम सिर्फ युवाओं को मिलने के लिए आए और युवाओं को मिलकर ताकि उनकी परिस्थिति को समझ सकें। तो वहाँ कहीं कल उदयपुर में भी था, सल्लाड वगैरह और सलंबर वगैरह सभा भी की थी, किसानों से मिले थे, तो हमें लगा कि किसानों की बात तो कर ही रहे तो युवाओं से भी मिलना चाहिए और युवाओं की स्थितियों को समझना चाहिए, क्योंकि आज 1 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी, आज राज्य के अंदर जो 45 लाख नौकरियों की बात कर रही है वसुंधरा सरकार, जो हकीकत में सिर्फ 2.5 से 3 लाख रोजगार ही मिला है, और उसमें भी कई कैक के रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो मुद्रा लोन के आधार पर जो मिला वो रोजगार भी इनमें शामिल किया गया, तो इन सारी चीज़ों पर युवाओं से मिलना और बात करना मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा। झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में मकान में कार्य करते वक्त करंट फैलने से 5 लोग करंट की चपेट में आ गए। 1 मजदूर की मौत हो गई जबकि 4 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को झालावाड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज जारी है। 1 मजदूर करंट की चपेट में आने से अधिक झुलस गया जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला झालावाड़ का हाउसिंग बोर्ड का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाँच शुरू कर दी। सभी मजदूर मकान के निर्माण में काम कर रहे थे और अचानक करंट आने से ये हादसा हुआ है। मकान में करंट लगने की सूचना मिली थी, करंट से 3-4 आदमियों को चिपकने की हमारे जानकारी मिलने के यहाँ आए, तो हुकुम स्टे ये है कि तबेरा रोड के जो सत्यनारायण जी राठौड़ है वो खुद अपनी दुकान बना रहे थे, दुकान का स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है, इसकी अभी तराई कर रहे थे, उनकी नाती जो है बेटी की लड़की वो तराई कर रही थी, सबसे पहले उनसे करंट लगा, फिर उन्होंने छुड़ाने की कोशिश करी तो वो चिपक गए, बाद में 2-3 राहगीर थे उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो उनके भी करंट लगा है, कुल 5 आदमियों के करंट लगे हैं। इसमें ये दुकान मालिक है सत्यनारायण जी खुद सीरियस थे या इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है, कार्रवाई चल रही है, जांच कर रहे हैं। सवाई माधोपुर न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकरण बालकृष्ण मिश्र ने सगे भाई की पत्नी के साथ बलात्कार करने में असफल रहने पर भाभी को मौत के घाट उतारने के आरोपी संजय जायसवाल निवासी बाल मंदिर कॉलोनी को आजीवन कार्यवास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए तथा 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। ये मामला ये था कि देवर जो है संजय जायसवाल था, जिसने जो है अपनी भाभी की हत्या कर दी थी, जिसका नाम जो है शोभा जायसवाल था। ये 7/7/2009 की घटना है। इस घटना की रिपोर्ट जो मुलजिम है संजय, इसके भाई ने दर्ज करवाई थी और ये मामला 2009 का है। तब से लगातार ये जो है चल रहा है, न्यायालय के अंदर लंबित था और आज इसमें जो है न्यायालय ने अंतिम रूप से जो है अपना निर्णय सुना दिया है। इसमें मुलजिम संजय को 302 धारा 302 के तहत जो है आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और 376/511 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना किया है और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना किया है। अब देते हैं खबरों को थोड़ा विराम, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। BSNL कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिसंबर से हड़ताल करेंगे। BSNL कर्मचारी जनवरी 2017 से लंबित वेतन की मांग, पेंशन रिवीजन, 4 स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं। ऐसे में अब 3 दिसंबर से देश भर में हड़ताल करेंगे। और उसको
देना नहीं चाहते सरकार को, ये कह के तुम तो घाटे में, लेकिन हम घाटे में इसलिए है कि सरकार की नीतियाँ इस तरह की है। सरकार रूरल में हमसे सर्विस दिला रही है जहाँ में घाटा है। दूसरा, हमारे जो कटौती होती है पेंशन की, वो हमारे मैक्सिमम से लिया जा रहा है, स्केल के मैक्सिमम से लिया जा रहा है, ये केंद्र सरकार में और किसी ऊपर में ये नहीं है। तो इस तरह से करोड़ों रुपया भारत सरकार ने अधिकम खर्चा हमारे माते, तो जानबूझ करके हमें घाटे में लाया गया है और एक क्लोज डाल दिया, अफोर्डेबिलिटी क्लोज है, उसका कहना ये है कि जो घाटे में उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो है नाइंसाफ बदल कर रहे हैं। 3 दिसंबर से पूरे भारत में BSNL के 2 लाख एम्प्लॉई जो कार्य कर रहे हैं और 3 लाख पेंशनर, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेबर और 6 लाख कर्मचारी जो है पूरी तरह से हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार शहरों और स्टेशनों के नाम बदल रहा है। केंद्र सरकार इन नामों पर मुहर लगा रही हो, लेकिन संघ से जुड़ी नामों को सहेज पाने में नाकाम है। राजस्थान के कोटा में गुमानपुरा के एक पार्क देवरस पार्क का नाम संघ से जुड़ा होने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। एक समय ये पार्क बच्चों और बुजुर्गों से आबाद रहता था, लेकिन अब यहाँ न तो झूले हैं और न ही इसका रखरखाव हो पा रहा है। इसके चारों ओर अतिक्रमण की मार है। देवरस संघ विचारधारा से जुड़ा नाम होने के बाद भी बीजेपी नेता और पार्षद इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। सही था, बाद में कंडीशन बिगड़ गई, बाद में कौन निकमल है पता नहीं कौन सा। अच्छा, तो हम बोला नहीं कि गंदगी रहती है यहाँ पर, कैसे काम करते हैं हम? गंदगी तो रहती है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी कहना चाहता हूँ नगर निगम के प्रत्येक पार्षद से, प्रत्येक मेयर साहब से कि वो एक बार गुमानपुरा स्थित, जहाँ पर आप स्मार्ट सिटी के नाम पर आप कहते हैं कि बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी है और अनगिनत लोगों में इसकी कल्पना की जाती है, पूरे संसार भर में कोटा को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, एक बार मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और देखें इसकी स्थिति क्या हो रही है। यहाँ देख, आपको देखने को पता पड़ रहा है कि यहाँ पर कई मवेशी यहाँ पर खा पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी व्याप्त है और यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंदर देखिए झोपड़पट्टी, यहाँ पर जो गरीब लोग, यहाँ देखिए स्थिति क्या हो रही है आज पार्क की, उस स्थिति को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है या नहीं है। अब देते हैं खबरों को थोड़ा विराम और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। भारतीय रेल में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 का परीक्षण कोटा मंडल के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर मंडल रेल कार्यालय में बैठक भी हुई थी। इस बैठक में DRM यूपी जोशी, अपर मंडल रेल प्रबंधक विनीत पांडे, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंध तुषार सारस्वत, सीनियर DCM विजय प्रकाश और वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। गत 26 नवम्बर को ट्रेन का रैक कोटा पहुंच गया था, जिसके बाद तकनीकी जांच प्रक्रिया पूरी की गई। अब एक ट्रेन की ट्रायल शुरू हो चुकी है। पहली ट्रायल कोटा से सवाई माधोपुर के बीच शुरू की गई है। ट्रायल में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की ट्रायल की गई है। झालावाड़ शहर में आज कांग्रेस द्वारा महिला स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन को कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी चित्रा सिंह ने भाग लिया। इस सम्मेलन से पहले चित्रा सिंह ने प्रेस वार्ता की, तब उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें हमारे परिवार को वसुंधरा राजे द्वारा परेशान किया गया, उसी के बाद हमने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। आज झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, आप लोगों के सहयोग से चुनाव जीतेंगे। वसुंधरा राजे की सरकार ने तानाशाही पूर्ण काम किया है। झालरापाटन क्षेत्र के ग्रामीण एरिया की हालत बहुत खराब है, सड़कें नहीं है, महिलाएं दूर से सिर पर पानी रख कर लाती हैं, पानी की समस्या तो हर गांव में है। वो अपना कर्तव्य निभा रही है, अपने सास के लिए कर रही है, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ उनकी अर्धांगिनी के नाते। सफलता किस हिसाब से कर रही है, इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। देखिए, वो भी अपने कोशिश हमारी पूरी रहेगी, हम भी मेहनत करेंगे और जो प्रचार चल रहा है हमें अच्छा माहौल दिख रहा है। गांव-गांव में जा रही हूँ, डायरेक्ट संपर्क लोगों से कर रही हूँ, लोग पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें बदलाव चाहिए तो जरूर जनता साथ देगी और बदलाव में हमारा साथ जरूर देगी। केशोरायपाटन सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी राकेश बोयत ने शनिवार को दहीखेड़ा से अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। इन गांवों में लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया, आतिशबाजी के धमाकों के साथ उन्हें गांव में घुमाया, युवाओं में जोश दिखाई दिया तो बुजुर्गों ने बोयत को आशीर्वाद दिया। बोयत ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा सेवक बनकर लोगों की सेवा करेंगे, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। उनकी बात को पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा ने बोलते हुए कहा
कि मेरी निजी जिम्मेदारी रहेगी कि विधायक के रूप में इनसे क्षेत्र का विकास करवाऊं और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने दूं। दौरे में इंदरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष लतीफ भाई, पूर्व सरपंच अशोक मीणा, दुलीचंद मीणा, अशोक मीणा, दिनेश व्यास, पूर्व चेयरमैन विजय किशोर दुबे, नंद किशोर मेघवाल, जगदीश पारेता, विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सोहन मीणा सहित कई कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब देते हैं खबरों को थोड़ा विराम और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। भाजपा इंडोली विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी ओमेंद्र सिंह हाड़ा ने शनिवार नैनवा क्षेत्र में कई गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान कई गांवों में लोगों ने बैंडबाजों के साथ जोरदार स्वागत करते हुए फूलमालाओं के साथ साफे बांधते हुए स्वागत किया। गांवों में भाजपा प्रत्याशी ओमेंद्र सिंह हाड़ा के साथ कार्यकर्ता जन जन से अपील करते हुए भाजपा को कमल के फूल पर वोट देकर विजय बनाने की अपील करते हुए चल रहे थे। संपर्क के दौरान जगह जगह सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ओमेंद्र सिंह हाड़ा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और हिंडोली विधानसभा के लोगों के प्यार इस नए से चुनाव जीतेंगी। केशुराय पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांता मेघवाल ने शुक्रवार को घर जाकर सघन जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांता मेघवाल का गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जुलूस के रूप में गांवों में पैदल घुमाया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा फूलमालाओं से भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं ने चुनरी और शॉल उड़ाकर बेटी की तरह सम्मान किया तथा विजयी का आशीर्वाद दिया। भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांता मेघवाल ने चौपाल पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार ने प्रत्येक किसान के 50,000 रुपए का ऋण माफ किया गया तथा फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज आपकी बेटी आपसे भाजपा के लिए वोट मांगने आई है। झालरापाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के चुनाव कार्यालय पहुंचे मोहन प्रकाश ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं पर भी करारा हमला बोला और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमान जी को दलित बताने वाले बयान पर प्रहार करते हुए कहा कि स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी रुद्र के अवतार थे, तो फिर योगी जी को हनुमान जी के दलित होने की जानकारी कहां से मिली। योगी जी सिर्फ शहरों और लोगों के नाम बदलना चाहते हैं, तो खुद का भी नाम बताएं कि वह योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अजय सिंह विष्ट हैं। मोहन प्रकाश ने कहा कि भाजपा बीते 26 साल से राम के नाम पर राजनीति करती आ रही है। भाजपा ने अब हनुमान जी को दलित बताकर उन्हें भी राजनीति में घसीट लिया है। मोहन प्रकाश ने राज्य पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वो वसुंधरा राजे को झालावाड़ से वापस धौलपुर ले जाने के लिए आए हैं। राजस्थान की जो मूलभूत समस्याएं हैं या जो सत्ताधारी दल के अपने चुनावी वायदे थे, उन पर इस समय प्रदेश में बहस नहीं हो रही और उसका कारण है कि न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने उन अपेक्षाओं को पूरा किया है जिन अपेक्षाओं के लिए इनको चुना गया था। 5,000, 6,000, 7,000 रुपए की जो ट्रक आती थी या ट्रैक्टर आता था, वो आज 40,000 का आ रहा है। और मेरा आरोप है कि राज्य सरकार अगर चाहती तो जो 2 दिन पहले छूट हुई है वो पहले छूट हो गई होती। जो हाईकोर्ट से 2 दिन पहले थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, क्यों? ये जो बजरी माफिया था वो सरकार के संरक्षण में जो 4,000, 5,000 या 6,000 की बजरी थी वो 40,000 में लोग खरीदने के लिए बाध्य हो रहे थे। बेरोजगारी दर 7% के आसपास है, लेकिन राजस्थान में बेरोजगारी दर 14% के आसपास। अब देते हैं खबरों को थोड़ा विराम और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। बूंदी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अशोक डोगरा ने शनिवार को सुबह जनसंपर्क की शुरुआत की। डोगरा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को जिताकर अपना योगदान दें और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोबारा प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनानी है और आपके क्षेत्र में सरकार ने सिंचाई की योजना बनाई और समय समय पर नहरों में पानी छोड़ा और
जिससे किसान की फसल अच्छी हुई है और आमदनी भी बढ़ी है। किसानों के लिए भाजपा सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिसका लाभ किसानों ने लिया। वहीं विधायक अशोक डोगरा द्वारा अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए, जिसमें 18 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लेखा जोखा मानने के लिए धरने पर बैठे जनता के प्रतिनिधि नरेंद्र पायलट को धरना स्थल पर पहुंचकर विधायक प्रतिनिधि और नगर परिषद सभापति महावीर मोदी ने 1800 करोड़ के विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपार समर्थन मिल रहा है। आज अपने जनसंपर्क दौरे पर वो सबसे पहले कोटखेड़ा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शर्मा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बूंदी में भी आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि विकास के मामले में बूंदी का नाम राज्य भर में अग्रणी रहेगा। तो ये थी अब तक की विशेष खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होते हैं खास हलचलों से। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कोटा में जनसभा, कुन्हाड़ी के विजयवीर स्टेडियम में हुई जनसभा, कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। किसान क्रांति सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने युवाओं से किया संवाद, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। मकान में कार्य करते समय लगा करंट, एक की मौत, चार घायल, झालावाड़ जिले की है घटना। सगे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतारने के आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा, सवाई माधोपुर जिले का है मामला। तो अब दीजिए इजाजत, निधि को एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।